नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं शर्मा जी जी के फॉर कंपटीशन चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट 3 के बारे में। इसके पहले मैं इसके दो पार्ट बना चुका हूं, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का अर्थ है। ऑप्शन ए इंटर नेटवर्क, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन नेट, ऑप्शन सी इंटरनेशनल नेटवर्क, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन नेटवर्क। आपको बताना है इनमें से राइट आंसर कौन सा है, इंटरनेट का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है और कई बार ऑप्शन में यह भी लिखा होता है कि ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। यहाँ पे ये तीन चार नाम से आपको यह क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी इंटरनेशनल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप फाइल्स को खाली स्थान में स्टोर करके व्यवस्थित करते हैं। ऑप्शन ए फोल्डर, ऑप्शन बी आर्चीव्स, ऑप्शन सी लिस्ट, ऑप्शन डी इंडेक्सेस। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फोल्डर। आपने देखा होगा कंप्यूटर सिस्टम में फोल्डर्स बने होते हैं, फोल्डर के अंदर आप फाइल को स्टोर करते हैं। फाइल का अर्थ जैसे कि आपने एमएस वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट सेव किया, एमएस एक्सेल का कुछ सेव किया है, तो ये सभी फाइल्स होती हैं। इन फाइल को आप फोल्डर के अंदर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2007 में आप डेटा के कॉलम को रो में रूपांतरित करने के लिए किस कमांड का चयन करेंगे। ऑप्शन ए कट एंड पेस्ट, ऑप्शन बी राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करने के बाद ट्रांसपोज, ऑप्शन सी होम टैब पर क्लिक करेंगे उसके बाद पेस्ट पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राइट क्लिक के बाद पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करने के बाद ट्रांसपोज। इससे क्या होता है कि जैसे आपकी टेबल में कोई कॉलम है तो वह रो में कन्वर्ट हो जाएगा और जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में यदि आप टेक्स्ट के एक ब्लॉक को मूव कराना चाहते हैं तो आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ऑप्शन ए कॉपी एंड पेस्ट, ऑप्शन बी कट एंड पेस्ट, ऑप्शन सी पेस्ट एंड डिलीट, ऑप्शन डी पेस्ट एंड कट। इसका राइट आंसर आप बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कट एंड पेस्ट, क्योंकि आपको यहाँ पर मूव कराना है, अर्थात आपको कहीं एक जगह कोई फाइल है तो वहाँ से उठा के उसको कहीं दूसरी जगह रखना है, तो उसके लिए वहाँ से उसको कट करना पड़ेगा और जहाँ पर आप मूव कराना चाहते हैं वहाँ पे पेस्ट करना होगा। और यदि हम कॉपी और पेस्ट की बात करें तो कॉपी में वह फाइल वहाँ पर भी स्टोर होती है जहाँ से आप उसको मूव कराते हैं, और जहाँ पे आप ले जाएंगे वहाँ पर पेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शॉर्टकट की का उपयोग किसी फाइल्स को बिना रिसाइकल बिन में पहुँचाए डिलीट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन बी ऑल्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस डिलीट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस डिलीट। किसी भी फाइल को हम डिलीट करते हैं तो वह है रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है, और यदि आप चाहते हैं कि वह रिसाइकल बिन में भी स्टोर ना हो तो उसके लिए शिफ्ट प्लस डिलीट की को हम प्रेस करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्काई का फुल फॉर्म क्या है, ASCII। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन ए असिमेट्रिक सिंपल कोड फॉर इंटरनेट इंटरचेंज, ऑप्शन बी अमेरिकन सिंपल कोड फॉर इंटरनेट इंटरचेंज, ऑप्शन सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन डी असिमेट्रिक स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह क्वेश्चन तो बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर आपको ज़रूर बनना चाहिए। आप बताइए इसमें से इसका राइट आंसर कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी डेटाबेस, ऑप्शन सी डॉस, ऑप्शन डी स्प्रेडशीट। क्वेश्चन में अक्सर यही पूछा जाता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉस। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट पेपर साइज निम्न होता है? ऑप्शन ए A1, ऑप्शन बी A4, ऑप्शन सी A3, ऑप्शन डी A2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी A4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन लोगों को मेल सर्वर की सुविधा प्रदान करता है? ऑप्शन ए आपके सुपरवाइजर, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटीज़, ऑप्शन सी आपके सहयोगी, ऑप्शन डी गूगल, याहू, रेडिफ एटेक्स्ट्रा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गूगल, याहू, रेडिफ एटेक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में सेलेक्ट की गई तथा सेल को एडिट करने के लिए निम्न शॉर्टकट की है? ऑप्शन ए F2, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F7, ऑप्शन डी F11। आपको इसमें से राइट आंसर को सेलेक्ट करना है कि एक्सेल के किसी सेल को यदि आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करने के लिए इनमें से कौन सी की यूज होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए F2। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपको कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।